नहीं, आप जो बैठकर हुजूर की खत्म नबूवत पर भोंकते हैं, ये तो खोते का भी पता है हुजूर की खत्म नबूवत क्या है। खोते ने भी कहा यार हुजूर सुल्ला आप आखिरी नबी हैं, गो ने भी कहा यार सुल्ला आप आखिरी नबी हैं, तमाम कायनात हुजूर को आखिरी नबी मानती है। और ये हुकूमत और ये क्या कहते हैं, कादियानी भी हमारे बहन भाई है, में जाएंगे ना पुत्रो, उस वक्त ना इमरान ने आना है, एक बात और, उस वक्त आईजी पंजाब ने आना है, ना किसी और ने आना है, उधर सिर्फ रसूलुल्लाह ने आना है। और रसूलुल्लाह ने आकर पूछना है कि फरिश्तों ने पूछना है माकुम तकुन फी आदर रसूल, इसके बारे में क्या कहता था, तो फिर उस वक्त कहना या रसूलुल्लाह आपका जो नाम लेते थे हम उनको पकड़ने के लिए डंडे लेकर बंदूकें लेकर आगे ठहर जाया करते थे। हुजूर फरमाएंगे एक मिनट पहुंचो, हम अपने पुलिस वाले भाइयों को ये बताते हैं कि कभी आपने देखा हो कि हम अपनी तनख्वाह के पीछे रोड पे निकले हो, कभी आपने देखा हो कि हम अपने मामलात के पीछे, जी हमें गंदम आने वाली थी तो हमें मस्जिद से निकाल दिया गया, हमने कभी इंतजार नहीं किया, धरना नहीं किया, हम आए हुजूर की खत्म नबूवत के लिए। इब्न आलम ताजदार गोलड़ा पीर मेर निशा फरमाते हैं, खत्म नबूवत के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए कयामत तक जो काम करेगा हुजूर का दस्ते मुबारक उसके कंधे पर होगा। लेकिन फिर काम करने वालों के मुकाबले में निकलने वाला हमारा मुकाबला नहीं करता, वो हुजूर का मुकाबला करता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का क़यामत वाले दिन हम सूए हशर चलेंगे शाह-ए-अबरार के साथ, काफिला होकर वहाँ काफिला है, वो मंजर कैसा होगा जब आप आएंगे, पूरी कायनात होगी, आज तो ये कुछ टोला है ना, हम कुछ थोड़े से हैं, लेकिन उस वक्त कहेंगे कि वो टोला जो मेरी खत्म नबूवत के लिए निकला था आज आ जाए, तो हम कहेंगे कि यार रसूलुल्लाह हम उस वक्त ये कहा करते थे कि बेबाक सिपाही दीन के हम, दो लाख जमाना होकर हम, हो जाए चाहे सर भी कलम, ताबूत से आओ टकराने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम यकी के दीवाने, हम अमन व गुब्बत। एक मिनट, हम आप देखें कि आप यहाँ पर ठहरे हैं, माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों की तरह आपकी उम्र बड़ी बड़ी है, तो आप देखें कि हम आपका अदब और एहतराम करते हैं, हमने कभी कुछ किस पाकिस्तान के बनाने वाले तो हम हैं। मुमताज कादरी, मुमताज कादरी ने हमें दिलेर किया, हम रखते हैं इज्जत पर पैरा दिया, किसी और पुलिस वाले का नाम आता है उनकी मुमताज कादरी का नाम दुनिया खड़ी होकर कहती है, और हुजूर अलैहिस्सलाम उसे लेने आ गए, मेरा मुमताज आज मेरे पास आ रहा है, और उसे पूछा गया कि मुमताज तूने हुजूर की इज्जत के लिए इनको मारा तो है, हुजूर ने कभी तुझे ज़ियारत भी करवाई, तो मुमताज कादरी ने कहा कि तुम मुझसे पूछते हो हुजूर ने ज़ियारत करवाई, कोई तादाद मालूम ही नहीं मेरे हाथ। आपकी अपनी मजबूरियां हैं, हमारे भी तो कोई मजबूरी है, हमने भी किसी ना किसी का कलमा तो पढ़ा है ना, हजरत हबीब बिन जैद, हजरत माएं वो थी, माएं वो थी, माएं वो थी जो अपने अपने बच्चों को इस तरह अपने बच्चों को इस तरह सिखाया करती थी। हजरत हबीब बिन जैद को मुसैलमा कसाब ने कहा कि तू अतशदवनी रसूलुल्लाह, तू कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपने फरमाया क्या बकवास करता है, क्या भोंकता है, रसूल तो सिर्फ रसूलुल्लाह ही है, आपका सुम्मा काता उजवन उसवन, आपका हाथ यहाँ से काटा फिर यहाँ से काटा, हमने तो यही जंजीरों के लिए हम डर के ठहर जाए, हमसे पूछते हैं ना ना ना, हजरत हबीब बिन जैद का हाथ यहाँ से काटा फिर यहाँ से काटा फिर यहाँ से काटा फिर यहाँ से काटा, काटते काटते यहाँ तक काट दिया, फिर पूछा अभी भी वक्त है छोड़ दूंगा, बता मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फरमाया क्या बकवास कहता है, रसूल तो रसूलुल्लाह ही है। बिस्मिल्लाह।
الرحمن الرحیم تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے مخالف نہیں ہوئے بے شک بے شک بے شک بے شک ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی جب یہ محبت رکھتے ہیں اس طرح آپ ریکارڈ کروانے والی بات نہیں ہے ریکارڈ تو وہاں پہ بھی کر رہے ہیں کوئی میڈیا والے نے دکھایا کسی نے دکھایا وہاں پہ میڈیا والے پہنچے ہوئے ہیں اب آپ دکھائے این شو شاہ کے لیے پہنچے ہوئے ہیں پھر عوام کو ہم آپ سے ایک التماس کرتے ہیں اگر آپ ہمارے سنی مسلمان بھائی ہیں نا قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے تو پھر گاڑی ہٹاؤ ہمارے ساتھ چلو وہاں بس ایک بار روڈ پہ یار حضور کو بھی آپ نہیں کر سکتے دونوں روڈ نہیں کرتے ہم ایک کریں گے ایک روڈ کریں گے نہیں اتنا کریں گے ایک روڈ